नमस्कार किसान भाइयों, मैं शिवम यादव लाइव टुडे के इस खास कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जैसा कि हर बार हम आप सबके लिए कुछ ना कुछ खास लेकर आते हैं, उसी तरह हम आज फिर हाजिर हैं आप सबके लिए बहुत कुछ खास लेकर। किसान भाइयों, कार्यक्रम के आज के इस भाग में हम आपको कॉर्नेशन की खेती से जुड़ी जानकारी देंगे। कॉर्नेशन एक विश्व स्तर का महत्वपूर्ण फूल है। फूलों की पंखुड़ियाँ कागज़ जैसी कटी होती हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इसके फूलों में लौंग जैसी भीनी भीनी सुगंध आती है। फूल अपने प्रकार, रंग और सुगंध के कारण ये बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। फूलों को काटने के बाद कई दिनों तक ताज़ा बने रहने के कारण कट फ्लावर के रूप में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। कॉर्नेशन की लगभग 250 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें थायन्थस क्रायोफाइलस, थायन्थस बारबिडस और थायन्थस चाइनेंसिस जातियों को ही फूल के लिए उगाया जाता है। कॉर्नेशन थायन्थस क्रायोफाइलस जाति को अच्छे फूल उत्पादन के लिए महत्व दिया जाता है, इसलिए कॉर्नेशन की खेती को किसान अधिक महत्व दे रहे हैं। आइए आपको कॉर्नेशन की फसल के लिए उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी देते हैं। प्रकार और किस्म। स्टैंडर्ड कॉर्नेशन, इसके फूल बड़े आकार के और मजबूत लंबी टहनियों पर खिलते हैं। गर्म जलवायु में बीमारियां लगने की संभावना रहती है। लाल, मास्टर किलर, ग्रेंडा और रेड विलियम। पीला, पैलास, मुरसिया और ताहिती। गुलाबी, लीना, शारिना, पिंक सिम और कैडी। सफेद, व्हाइट सिम, कैंडी व्हाइट और सोनसारा। स्प्रे कॉर्नेशन, लाल, गुलाबी, पीला, सफेद। इसके फूल ज्यादा संख्या में छोटे छोटे और गर्म जलवायु में भी अच्छे खिलते हैं। कॉर्नेशन फूल की खेती हम ग्रीन हाउस में भी कर सकते हैं। कॉर्नेशन के लिए 1000 वर्ग मीटर ग्रीन हाउस में 20 से 25,000 पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कॉर्नेशन के लिए उपयुक्त जलवायु, भूमि और पौधा लगाने की विधि के बारे में। जलवायु, जाड़ों में अच्छे उत्पादन के लिए रात का तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में 12 से 15 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। दिन का तापमान 18.5 डिग्री सेल्सियस होने पर अधिक फूल प्राप्त किए जा सकते हैं। भूमि, कॉर्नेशन की अच्छी वृद्धि के लिए हल्की जल निकास वाली और अच्छे वायु संचार वाली मिट्टी उपयुक्त रहती है। बलुई दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए उत्तम होती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। कॉर्नेशन को प्लास्टिक घरों, ग्लास घरों या खुले मैदान में उगाया जा सकता है। अधिक ठंडी जलवायु में पौधों का विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता, इसलिए कॉर्नेशन में उचित विकास और उच्च गुणवत्ता वाले फूल प्राप्त करने के लिए ग्लास घरों में उगाना अधिक उपयुक्त और लाभदायक होता है। कॉर्नेशन के फूलों का उपयोग क्यारियों, गमलों, चट्टानी उद्यानों और किनारों के लिए किया जाता है। अब हम आपको कॉर्नेशन में होने वाले प्रसारण विधि के साथ ही इसके लिए उपयुक्त खाद और उर्वरक के बारे में जानकारी देंगे। पौधा लगाना। कॉर्नेशन के पौधे को बाजार और सुंदरता की दृष्टि से सितंबर से अप्रैल माह तक लगाना चाहिए। इसके पौधे को ज्यादा गहराई पर लगाने से जड़ सड़न रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। कॉर्नेशन को पौधे से पौधा और कतार से कतार 15 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाना चाहिए। प्रति वर्ग मीटर क्षेत्र में 25 से 32 पौधे लगाना उचित रहता है। प्रसारण विधि। बीज, कॉर्नेशन के बीज को सीड बेड में डालकर पौधा तैयार किया जाता है। इसके बीज 5 से 10 दिनों में अंकुरित हो जाते हैं और 20 से 30 दिनों में पौध तैयार हो जाती है।
सीड बेड में बालू केंचुआ खाद को एक एक के अनुपात में मिलाकर तैयार किया गया मिश्रण अच्छा होता है। बीजों को पत्ती से ढकने पर अंकुरण अच्छा होता है। तना कर्तन, कटिंग लगाने का सही समय फरवरी मार्च का महीना होता है। 10-12 सेंटीमीटर के तनों के अग्रभाग से कटिंग लेकर 15 ppm के इंडोल ब्यूटारिक एसिड के घोल से उपचारित करें। इसे उपचारित करने के बाद बालू, केचुआ खाद और मॉस घास के मिश्रण वाले बेड में लगा दिया जाता है। एक महीने बाद अच्छी जड़ें निकलकर पौधे तैयार हो जाते हैं। खाद और उर्वरक, स्टैंडर्ड कॉर्नेशन। गोबर की खाद 5 से 10 किलो, नाइट्रोजन 30 ग्राम, फास्फोरस 20 ग्राम और पोटास 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। स्प्रे कॉर्नेशन, गोबर की खाद 5 से 10 किलो, नाइट्रोजन 40 ग्राम, फास्फोरस 20 ग्राम और पोटास 10 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की आवश्यकता होती है। इसके फूल कई रंगों में होते हैं, जिसमें लाल, गुलाबी, सफेद, पीले और चित्तीदार प्रमुख होते हैं। कई रंगों में होने से इसे लोग गुलदस्ते में सजाने के लिए ज्यादा पसंद करते हैं। फूलों की खेती से लोगों के रहन सहन में काफी बदलाव हुए हैं। लोगों ने इस व्यवसाय को स्वरोजगार के तौर पर अपनाकर अपने लिए रोजगार के द्वार खोले हैं। ग्रीन हाउस में उगाए जाने वाले फूलों को देश भर में सप्लाई कर लोग अधिक मुनाफा ले रहे हैं। इसकी खेती से ज्यादा मुनाफा मिलने से महिलाएं भी इसमें ज्यादा रुचि ले रही हैं और अधिक लाभ प्राप्त कर रही हैं। आइए अब हम आपको स्टेकिंग, पिचिंग और डिसबडिंग के बारे में बताते हैं, जो कॉर्नेशन पौधे के लिए बहुत अहम क्रिया है। स्टेकिंग, कॉर्नेशन का तना कमजोर होता है, इसकी अच्छी वृद्धि और उत्पादन के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। पहले तार का जाल भूमि से 10 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर और बाकी तार 20 से 25 सेंटीमीटर के अंतराल पर बांधें। कॉर्नेशन के पौधों को सहारा देने के लिए कुल 3 से 4 तार की जालियों के तहों की आवश्यकता होती है। तारों को रोपण से पहले लगाना चाहिए। पिचिंग, पिचिंग क्रिया में पौधे और फूलों को काटते हैं, जिससे कि पौधे का विकास ज्यादा हो और अच्छे फूल खिलें। पिचिंग की क्रिया को 20 से 30 बार पौधों में करना चाहिए। जमीन से 6 गांठें छोड़कर पौधे को काट देते हैं, जिससे ज्यादा शाखाएं निकलकर पौधे घने हो जाते हैं और ज्यादा फूल खिलते हैं। डिसबडिंग, अच्छी किस्मों के पौधों में केवल सबसे ऊपर की कलिका को उगने दिया जाता है। सभी नजदीकी कलिकाओं को तोड़ दिया जाता है, जिससे एक बड़ा और गुणवत्ता युक्त फूल लिया जा सके। पुष्प कलियों को शीघ्र अतिशीघ्र तोड़ लेना चाहिए। तो किसान भाइयों, ये तो थी कॉर्नेशन की खेती से जुड़ी हुई जानकारी। यदि आपको भी कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। आप अपना बहुमूल्य सुझाव भी हमें दे सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। कार्यक्रम के इस भाग में हम बात करते हैं कृषि ऐप RML फार्मर की। खेती में तकनीक का प्रयोग करके हम अपनी कृषि लागत के साथ साथ समय भी बचा सकते हैं। लाइव टुडे आपको आधुनिक तरह से खेती करने और अपनी फसल को नुकसान से बचाने की जानकारी देता है। तो आज हम आपको इस ऐप के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज के बदलते दौर में किसान अपनी खेती में तरह तरह के प्रयोग करके अच्छा मुनाफा कमाने में लगे रहते हैं। इसके लिए किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अलावा तकनीक की मदद भी ले रहे हैं। कम लागत में कैसे खेती में ज्यादा फायदा मिल सकता है, ये RML फार्मर ऐप से किसान आसानी से सीख सकते हैं।
आरएमएल फार्मर ऐप किसानों को कमोडिटी, मंडी के भाव, खेत और किसान से संबंधित समाचार, मौसम की जानकारी और कृषि सलाह देता है। ये किसान सुविधा एप्लीकेशन कृषि और खेती से संबंधित छोटे उद्योगों से जुड़े लोगों को उनकी पसंदीदा भाषा में खेती में तरह तरह के प्रयोग करने की सलाह देते हैं। आरएमएल फार्मर ऐप में खेती संबंधी 17 राज्यों के 50,000 गाँव, 450 से अधिक फसल, 1300 मंडियों के अपडेटेड भाव और 3,500 मौसम स्थानों की जानकारी दी गई है। इस कृषि ऐप में फसल में लगने वाले मौसमी रोग और कीटों को पहचानने के लिए क्रॉप डॉक टूल दिया गया है। क्रॉप डॉक सही समय पर किसानों को उनकी फसल को प्रभावित करने वाले कीटों की पहचान करने में मदद करता है और उनका उपचार कैसे किया जा सकता है इसके बारे में सुझाव देता है। इसके अलावा क्रॉप डॉक टूल में किसानों के लिए कृषि विशेषज्ञों और क्रॉप डॉक ट्रेडर का मोबाइल नंबर भी दिया गया है। इस नंबर पर संपर्क करके किसान अपनी फसल के लिए सस्ते और किफायती कीटनाशक भी खरीद सकते हैं। आरएमएल फार्मर ऐप में किसानों को फसलों की जानकारी और उनके मंडी भाव के बारे में जानकारी देने के लिए डिजी मंडी सुविधा दी गई है। डिजी मंडी की मदद से किसान अपनी नजदीकी मंडियों का पता लगा सकते हैं। ये सुविधा किसानों को बाजार में व्यापारियों से जोड़ने का भी काम करती है, जिससे किसान अपने उत्पादों को बेचने में कोई दिक्कत का सामना ना करे। इसके साथ साथ ऐप में चुनी गई मंडी में फसलों के दैनिक बाजार और मंडी भावों की जानकारी भी दी जाती है। किसान को उसके क्षेत्र में मौसम की स्थिति के बारे में जागरूक रखने के लिए ऐप में मौसम की जानकारी लेने की सुविधा दी गई है। इस विकल्प में किसान को तापमान, आर्द्रता का स्तर, अनुमानित हवा की गति और बारिश की संभावना के साथ अगले 7 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान बताया जाता है। इस मदद से किसान अपनी खेती की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आरएमएल फार्मर ऐप में कृषि सलाहकार का ऑप्शन भी दिया गया है, जिससे किसानों को बेहतर खेती करने के लिए और अपने खेतों में फसलों की अच्छी पैदावार पाने के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह दी जाती है। इससे किसानों को समय रहते फसलों में होने वाली बीमारी और कीटों के प्रकोप को कम करने में मदद मिलती है। ऐप में कृषि सूचना लाइब्रेरी भी दी गई है। इस लाइब्रेरी की मदद से किसी भी फसल, जैविक खेती, मशीनीकरण, पशु प्रजनन और आधुनिक खेती से संबंधित जानकारी पाई जा सकती है। अब हम आपको इस ऑल इन वन ऐप को डाउनलोड करने के तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, साथ ही इस ऐप को इस्तेमाल करके भी दिखाएंगे। कैसे करें आरएमएल फार्मर ऐप को डाउनलोड? आरएमएल फार्मर ऐप गूगल प्ले स्टोर पर निशुल्क उपलब्ध है। एंड्रॉइड फोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आरएमएल फार्मर कृषि मित्र मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इस आरएमएल फार्मर ऐप को किस तरह से प्रयोग करें। आप इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे पूरे स्क्रीन पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है कीमत का। जब इसको आप ओपन करेंगे तो आपको दिखेगा कि कई सारी जो आसपास की जो मंडियां हैं उनके भाव दिए गए हैं कि आखिर आपके फसल का भाव क्या है। वहीं जो दूसरा ऑप्शन है वो है मौसम का, जिसमें आप ये जान सकते हैं कि आपके आसपास का वातावरण या आपका मौसम कैसा है। वहीं जो तीसरा ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं कि आखिर हमारी जो किसानी और खेती से जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं या जो खबरें हैं वो आपको सारी इसमें मिल जाएंगी। इसके बाद ये जो चौथा ऑप्शन है, इसमें आप देख सकते हैं डायग्नोसिस का। इसमें आप जो भी फसल है उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आखिर किस तरह की फसल है, क्या उर्वरक हैं, क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए या उससे जुड़ी कोई भी जानकारी। इसके अलावा ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिनमें रेड स्ट्रिप दी गई है, ये 4 ऑप्शन ऐसे हैं जिसको अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पे करना होगा, लेकिन इनके अलावा और जो ऑप्शंस हैं उनके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं करना होगा। इसके अलावा जो सलाह का ऑप्शन दिया गया है, इसमें जाकर आप कृषि विशेषज्ञों से आप अपनी फसल के लिए जानकारी ले सकते हैं और उससे जुड़ी कोई भी समस्या है जो आप जानना चाहते हैं तो वो आप यहां से हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो 6ठा ऑप्शन है वो है कोष का, जिसमें आप जो पहले से उसमें जो फसलें दी गई हैं उसके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, जिसमें आप फसल योजन कैसे हो, उसकी बुआई तकनीकी क्या होनी चाहिए, उसकी कटाई कैसे करनी चाहिए, उसमें कैसे खाद बीज डालना चाहिए, कब किस मौसम में कौन सा रोग आता है, इस तरह की सारी जानकारी आपको इस ऑप्शन में मिल जाएगी।
इसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है वो है मेरी प्रोफाइल का, जिसमें आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, अपना नाम, अपना पता, आप कहाँ रहते हैं, वहाँ किस तरह का मौसम रहता है, ये सारी जानकारी आप जब अपना प्रोफाइल इसमें डालेंगे तो वो आपको समय समय पर मिलती रहेगी। आप इसके माध्यम से विशेषज्ञ से कुछ पूछ भी सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन है विशेषज्ञ से पूछें, इसमें आप विशेषज्ञों से कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो ऑप्शन दिया गया है स्मार्ट टूल खरीदें, जिसमें आप सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं और उनके अनुदान के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो थी कृषि ऐप RML फार्मर से जुड़ी पूरी जानकारी। यदि आपको खेती किसानी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करेंगे। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-121-0199। किसान भाइयों, आपकी सहायता के लिए लाइव टुडे की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रम मेरा देश मेरा गांव में अब तक हमने आपको कई सारी फसलों, फलों और फूलों की खेती के बारे में बताया है। साथ ही आपकी खेती किसानी से जुड़ी हुई समस्याएं दूर हों, इसके लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जो बिल्कुल मुफ्त है, जिस पर हमें किसानों की ओर से सराहना तो मिली ही है, साथ ही उन्होंने खेती में आने वाली समस्याओं के निदान के लिए हमसे संपर्क भी किया है और कई किसान भाइयों के सवालों का हमने अपने विशेषज्ञों द्वारा समाधान भी किया है। कुछ ऐसे ही सवाल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये वो सवाल हैं जिसे किसान भाइयों ने हमसे पूछा और उसका जवाब जानने की कोशिश की। लखनऊ के रहने वाले किसान भाई शुभेंद्र प्रताप सिंह ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर कॉल के माध्यम से अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है, आपका सवाल, काली मिर्च की खेती के बारे में जानकारी चाहिए। शुभेन जी, काली मिर्च एक उष्णकटिबंधीय संयंत्र है और ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां पर तापमान 12 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है वहां पर काली मिर्च का विकास नहीं हो पाता। काली मिर्च की फसल को मध्यम सर्दियों वाली जलवायु की आवश्यकता होती है। काली मिर्च की कलमों को सितंबर माह के मध्य में लगाना चाहिए। शुभेंद्र जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के दूसरे सवाल के बारे में। छत्तीसगढ़ के रहने वाले किसान भाई शुभराम ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर हमसे संपर्क किया और अपनी समस्या रखी। उन्होंने हमसे जानना चाहा है, आपका सवाल, अपने तालाब पर मछली पालन के लिए कहाँ से मदद मिल सकती है। शुभराम जी, अगर आप मछली पालन के लिए इच्छुक हैं तो आप अपनी भूमि संबंधी खसरा खतौनी लेकर जनपदीय कार्यालय संपर्क करें। विभाग द्वारा क्षेत्रीय मत्स्य विभाग अधिकारी द्वारा भूमि तालाब का सर्वेक्षण कर प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है। तालाब और भूमि की मृदा जल के नमूनों का परीक्षण विभागीय प्रयोगशाला में निःशुल्क किया जाता है। मृदा जल के परीक्षण के बाद कोई कमी पाई जाती है तो उसका निदान आपको बताया जाता है। भूमि तालाब मत्स्य पालन योग्य है तो जनपदीय कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट तैयार कर संस्तुति सहित प्रोजेक्ट बैंक को ऋण स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। बैंक स्वीकृति प्राप्त होने पर अनुदान की राशि बैंक को भेज दी जाती है। मछली पालन की तकनीकी जानकारी और इसके लिए आवश्यक प्रशिक्षण तहसील स्तर पर क्षेत्रीय मत्स्य विकास अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। मत्स्य बीज की आपूर्ति मत्स्य विभाग द्वारा की जाती है। आप मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज प्राप्त कर सकते हैं। शुभराम जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब आइए बात करते हैं आज के तीसरे सवाल के बारे में। हरियाणा के रहने वाले किसान भाई राजीव सिंह ने हमारे टोल फ्री नंबर 1800-121-0199 पर अपनी समस्या रखी। उनका सवाल है,
आपका सवाल, 20 दिन की प्याज में कल्ले अच्छे विकसित नहीं हो पा रहे हैं। हमारा जवाब, राजीव जी, खेत में बीमारी आने पर रोकथाम कठिन होती है, इसलिए खेत में रोग प्रकोप ना हो इसका आरंभ से ही ध्यान रखना चाहिए। एक खेत में बार बार प्याज की फसल नहीं लेनी चाहिए। प्याज के साथ अनाज वाली फसल को फसल चक्र में लेना अच्छा रहता है। अच्छी जल निकास वाली भूमि में प्याज की खेती करनी चाहिए। रोपाई से पहले पौधों की जड़ों को 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से कार्बेंडाजिम के घोल 10 से 15 मिनट तक उपचारित कर लगाना चाहिए। राजीव जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपको भी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो किसान भाइयों, ये तो थी आज की वो समस्याएं और उनके समाधान जो कि आपने हमसे पूछे थे। हम आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा और हमारे विशेषज्ञों द्वारा दिए गए समाधान से पूरी तरह संतुष्ट होंगे और आगे भी खेती किसानी से जुड़ी हुई किसी भी समस्या के लिए हमसे हमारे टोल फ्री नंबर 1-800-121-0199 पर संपर्क करते रहेंगे और अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में किसान भाइयों, फिलहाल के लिए बस इतना ही। खेती किसानी से जुड़ी कुछ और जानकारियों के साथ हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।